वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं आपके लिए बीए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के जो लघुत्तर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, वो आपके लिए कराने वाला हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, इस संघर्ष की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे संघर्ष की अवधारणा को स्पष्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा के समान संघर्ष भी एक विघटनात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। प्रतिस्पर्धा के समान जो है संघर्ष भी कैसी प्रक्रिया है? विघटनात्मक। समाज में जब प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक उग्र रूप धारण कर लेती है तो यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष या हिंसा का रूप धारण कर लेती है। उन्होंने कहा कि समाज में जब प्रतिस्पर्धा जो है वो बहुत ज़्यादा उग्र रूप धारण कर लेती है, बड़ा रूप धारण कर लेती है, तो यह प्रतिस्पर्धा संघर्ष या हिंसा का रूप धारण कर लेती है। संघर्ष का अभिप्राय दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले तनावों तथा हिंसक प्रक्रियाओं से है। संघर्ष का अभिप्राय क्या है? संघर्ष का अभिप्राय है कि दो व्यक्ति हों या दो से अधिक व्यक्ति हों तो उनके बीच में होने वाले या उनके मध्य में होने वाले जो तनाव हैं तथा जो हिंसक प्रक्रियाओं से है। गिलिन के शब्दों में संघर्ष वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति, समूह या वर्ग के लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। ग्रीन के शब्दों में ग्रीन ने कहा, इस संघर्ष किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करना है। ग्रीन ने क्या कहा कि संघर्ष जो है वो किसी व्यक्ति, ठीक है, या व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करना है। इस प्रकार संघर्ष दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूह के मध्य होने वाली वह हिंसात्मक प्रक्रिया है जिसमें ये लोग एक दूसरे को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन, जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है, ठीक है। जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं करा वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,